हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सोजत रोड, फुलाद रोड, स्टेट हाईवे 62 पर जनता की पुरजोर मांग पर पूर्व काबीना मंत्री लक्ष्मी नारायण दवे ने डिवाइडर युक्त सीसी सड़क का निर्माण करवाया गया था। डिवाइडर सड़क होने से आमजन व वाहन चालकों को काफी सुविधा रही व हादसों में कमी आई। इसी डिवाइडर सड़क को अब ग्राम पंचायत डिवाइडर तोड़ने को आमाद है। रविवार को पंचायत की देखरेख में जेसीबी से डिवाइडर को तोड़ जाने लगा तो फुलाद रोड के व्यापारी व ग्रामीण विरोध पर उतर आए। ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए पंचायत प्रशासन ने काम रोक दिया। डिवाइडर का कुछ हिस्सा एक वार्ड पंच के भारी वाहनों को आवागमन के लिए तोड़ा जा रहा था। ग्रामीणों ने बताया कि स्टेट हाईवे पर निर्माण व तोड़फोड़ सार्वजनिक निर्माण विभाग कर अधीन है। पंचायत प्रशासन ने बिना किसी अनुमति के स्टेट हाईवे पर तोड़फोड़ कर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए अवैध रूप से डिवाइडर को तोड़ा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के JEN सौरभ जैन ने बताया कि डिवाइडर तोड़ने की विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई है, ना ही उन्हें इसकी जानकारी है। सोमवार को मौका मुआयना कर कार्यवाही की जाएगी। डिवाइडर तोड़ने का विरोध सोजत पंचायत समिति सदस्य अनिल कुमार व्यास, अमराराम सिरवी, राजेश सोनी, डायाराम सिरवी, भभूत राम, चेना राम, विक्रम सिंह, मांगीलाल, शांतिलाल सेन, डावर राम, राजेश दांतवानी, दिनेश प्रजापत, सोहनलाल प्रजापत, ठेकेदार प्रकाश सिंह सहित फुलाद रोड के व्यापारियों में रोष व्याप्त है। जागरूक टीवी के सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।